अरे तेरी माँ गाल भूत बिलाओ, तेरे को एक काम बताया था वो भी तेरे से ढंग से नहीं हुआ। अरे यार पापा पागल हो गए क्या, मैं कोई मंदिर का घंटा थोड़ी हूँ जो बजाए जा रहे हो। अरे घंटा नहीं साले हरामी, तू तो घंटा दास है। कल शाम को क्या बोला था मैं तुझे कि भैंस का ध्यान रखना, वो जेर नहीं पटकी। वो तेरी जीजी उस जेर को पटक दी और खुद ही खाकर मर गई। अब उसके पैसे कौन देगा? अरे तो यार पापा मैं 2 बजे तक तो ध्यान रख ही रहा था, फिर इसकी जीजी को रो मेरे को नींद आ गई। अच्छा नींद आ गई थी क्या, तो बेटे अब तेरे नींद आएगी। अच्छी छी सूगला, चल भग जा अंदर। अरे मोटू राम जी नमस्ते, इधर आ। अब बता कौन हूँ मैं। अरे अंकल जी नमस्ते। अब ये बता इधर कहाँ जा रहा है। अंकल जी वो क्या है ना कि वो छोटू मेरा लंगोटिया यार है, तो उससे मिलने जा रहा हूँ। अरे साले मैं तेरी लंगोटी फाड़ कर चड्डी बना दूंगा और पहन कर सो जाऊंगा, समझ गया। अंकल जी मेरे ऊपर लाल पीला होने की जरूरत नहीं है, वो मेरा दोस्त है इसलिए उसके साथ रहता हूँ। अच्छा तो तू उसके साथ रहता है, तो देख बेटे आज से तू मुझे उसकी गलतियाँ बताएगा और एक गलती के मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। है अंकल जी 100 रुपए, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना। अरे मजाक क्यों करूंगा यार, तू कोई मेरी साली थोड़ी लगती है जो तेरे से मजाक करूंगा। तू तो गलतियां बताए जा और पैसे कमाए जा। ठीक है अंकल जी बता दूंगा। अरे लेंडी कहाँ मर गया, जल्दी से छोटू के घर के बाहर आ जा। हाँ ठीक है आ जा जल्दी से। छोटू भाई, ओ छोटू भाई। हाँ बिक्की बता। अरे यार तू घर पे बैठे बैठे अंडे दे रहा है क्या, और तू सुबह भैंस चराने भी नहीं आया। अरे यार हमारी भैंस को तो यमराज ले गया, अब वो ही चराएगा। अरे क्यों मजे ले रहा है, अगर तू भैंस चराने आता तो अपन खूब मस्ती करते। अरे मेरी मस्ती तो सुबह सुबह मेरे बाप ने निकाल दी। अरे तभी तेरी शक्ल भूसेड़े बैंगन जैसी लग रही है। अभी इसको किसने बुलाया? भाई मैंने ही बुलाया। पापा अभी अभी पहल के गए हैं मुझे, अगर उनको पता लग गया ना तो दोबारा बजा देंगे। अबे चल साले फट्टू, कुछ पता नहीं चलेगा, आजा तू तो। चल तू रुक मैं नहा के आता हूँ। अबे क्या नहाएगा यार, मेरे को ही नहाए हुए 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए तेरे को नहाए हुए? अरे हाँ यार, शरीर पर खाज खुजली और दाने दाने हो रहे हैं, इसलिए नहीं नहाया मैं तो। क्या शरीर पे दाने दाने और खाज खुजली हो रही है, क्या यूज करता है तू नहाने में? वही जो सब करते हैं, साबुन। अरे मेरे भाई अगर तू साबुन लगाएगा बॉडी पे तो यही सब हाल होगा ना। अरे तू मेरा छोड़ तेरा बता, तू क्या यूज करता है जिससे तेरे नहीं होती ये सब प्रॉब्लम? अरे ऐसा कुछ नहीं है, रुक आज मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या यूज करता हूँ। ये देख मैं यूज करता हूँ मुस्टेक का 3-in-1 ओशियन बॉडी वॉश। ओशियन बॉडी वॉश, वो भी 3-in-1, जरा बता इसके बारे में मुझे। देख तू इससे अपने हेयर, अपना फेस और अपनी बॉडी सब कुछ वॉश कर सकता है, मतलब 3 का फायदा 1 में। अरे वाह सही में। इसमें है एलोवेरा जो कि तेरी डैमेज स्किन को सही करने में हेल्प करेगा, और इसमें है विटामिन ई जो तेरी स्किन कॉम्प्लेशन को ब्राइट करने में हेल्प करेगा। मैंथोल है जो कि तेरी स्किन को अंदर से नरिश करेगा और तुझे पूरे दिन फ्रेश एंड कूल रखेगा, और ये हर स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। अरे वाह भाई तो ये मुझे देना। अरे मेरा क्यों ले रहा है भाई, तू खुद ऑर्डर कर लेना इसे, मैंने खुद इसे ऑनलाइन मंगवाया है। तू एक काम कर इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी है, तू इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चल ठीक है अभी ऑर्डर करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रहना चाहते हो मेरी तरह एकदम फ्रेश और हाइड्रेटेड तो यूज करो मुस्टेक का ओशियन बॉडी वॉश। सच बता रहा हूँ दोस्तों, इसे यूज करने के बाद आप बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग एंड कूल फील करोगे। तो आप एक काम करो इसे अभी ऑनलाइन ऑर्डर करो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आप इसे मुस्टेक की वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो। ये ले हो गया ऑर्डर, अब तू आ जा। अब तुम एक काम करो खेत में चलो, मैं वही आ रहा हूँ। क्यों तू कहाँ स्टेशन कराने जा रहा है? अरे मुझे वो घर पे एक काम है, और मैं तुम सबके लिए एक बहुत ही काम की चीज लेके आऊंगा, तुम चलो। चल ठीक है जल्दी आना। मेरे चने चना लो,
अंकल जी नमस्ते। हाँ बता। अंकल जी वो आपने बोला था ना कि छोटू भाई कोई गलती करे तो मुझे बताना, मुझे उसकी एक बात पता चली है। अच्छा तो बता जल्दी। वो खेत में बैठ के बीड़ी पी रहे हैं। हाँ? बीड़ी पी रहे हैं। बेटा अगर तेरी बात झूठी तो निकली ना तो ऊंची टांग और नीचा माथा कर दूंगा। अरे अंकल जी झूठ नहीं बोल रहा, चाहे आप खुद चल के देख लो। चल ठीक है तू चल, मैं आ रहा हूँ। अंकल जी वो मेरे 100 रुपए। अरे बेटी कौन से 100 रुपए? अरे अंकल जी क्यों पागल बना रहे हो, गलती बताने के 100 रुपए। बड़ा आरामी। अरे तू साले भूला नहीं अभी तक। अरे यार इसकी माध्यम गाल, वो विक्की कहाँ जाके मर गया? अरे वो पीछे देख वो आ गया। अरे यार विक्की कहाँ मर गया था इतनी देर, हम बैठे बैठे बूटे हो गए। अरे यार छोटू क्या है ना कि हमारी एक भैंस ने गोबर नहीं किया था तो सीटी मार मार के उसका गोबर निकलवा के आया हूँ। तो अब बता मैं यहाँ क्यों बुलाया है? अरे ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया चीज लेके आया हूँ। अरे ये क्या है? बीड़ी बंडल और माचिस। अरे साले फटीचर ये तो मैं भी दिख रहा है, पर इसे यहाँ क्यों लेकर आया है? अरे तीनों भाई पी के रेलगाड़ी की जैसे धुआं निकालेंगे। मर जा साले, अब बीड़ी पिलाएगा तू। और क्या यहाँ कोल्ड ड्रिंक पियोगे? बोल रहे साली खोपड़ी, बकवास कर रहा है। अरे तो बीड़ी में क्या बुराई है, मुझे पता है तेरी डोकरी भी पीती है और तेरा डोकरा भी पीता है और तेरा डोकरा भी पीता है। तेरा बाप तो दारू भी पीता है, फिर तो तू दारू पिएगा। अरे दारू की बाद में देखेंगे, अभी तो तुम बीड़ी पियो और चिल मारो। हम तो नहीं पियेंगे। अरे यार हमारे गांव में सब लोग बीड़ी पीते हैं, अगर बीड़ी गलत चीज होती तो सब लोग बीड़ी थोड़ी पीते। अरे मेरे दादा वो अपने से बड़े हैं इसलिए पीते हैं। अरे जो काम बड़े लोग कर रहे हैं ना वही काम हम उन्हें छोटे करके दिखाएंगे। यार बात तो सही कह रहा है तू, पर इसे पीते कैसे हैं? अरे कुछ नहीं बस जलाओ और फूको। ले जल्दी ले। अरे भाई खींच के लो खींच के। मेरा बापू भी पीवे बीड़ी मार के सुट्टा। गोबर खाने जा रहा हूँ, चलेगा तू भी? कहाँ जा रहा है भाई, जब तो छोड़ के भग गए। अरे दोस्त है भाई तुम्हारे, और दोस्त मुसीबत में धोखा नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? आज के बाद कोई बात मत कर लेना मेरे से, अकेले जाके समोसा खाया करूंगा, किसी को नहीं खिलाऊं। अरे नहीं यार छोटू ऐसे मत कर। देख भाई विक्की अगली बार से ऐसे करेंगे, जब भी छोटू की पिटने की बारी आएगी ना तो इसको तो भगा देंगे और इसकी जगह अपन जूत खा लेंगे। हाँ ये बात बिल्कुल सही कही तूने, अगली बार से हम ही पिट लेंगे पर समोसा साथ ही खाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, पर मैं तुमसे बाद में मिलूंगा यार, अभी मुझे मेरी सेटिंग से मिलने जाना है। ठीक है भैया जाओ जाओ, और अच्छे से मिल के आना, बेस्ट ऑफ लक। अंकल जी। हाँ बता क्या हुआ? अरे अंकल जी वो छोटू भाई आज एक लड़की से मिलने गया है। लड़की? कौन लड़की और कहाँ पे गया है? अंकल जी मुझे लड़की का तो पता नहीं, पर अपने गांव में वो रामफल है ना उसके खेत में गया है। अच्छा उसे तो आज मैं देखता हूँ। अंकल जी मेरे 100 रुपए। बात सुनाओ ना बेबी,
बेबी आपको मेरे में सबसे अच्छा क्या लगता है? बेबी आप तो मुझे पूरे ही अच्छे लगते हो, आपकी आंखें, आपकी स्माइल, आप तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। अच्छा बेबी, मैंने सुना है आप गाना बहुत अच्छा गाते हो। हाँ गाती हूँ ना बेबी। अच्छा तो एक गाना मुझे भी गाकर सुनाओ ना। हाँ सुनाती हूँ ना बेबी। जब तक साथ चलेगी मैं तुझको ही चाहूंगी सनम। क्या हुआ बेबी, मार क्यों रहे हो? गाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं बेबी, गाना तो बहुत अच्छा लगा। वो क्या है ना कि मुझे जिसका भी गाना अच्छा लगता है ना, तो मैं उसे चाटा मारकर शाबाशी देता हूँ। अच्छा बेबी, अब तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ ना। नहीं बेबी, चेहरा तो मैं शादी के बाद ही दिखाऊंगी। अच्छा बेबी, एक कुच्ची दे दो। हाँ ले लो। साले मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू मेरी औलाद है या और किसी की। अभी से लौंडियाबाजी में लग रहा है। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बच रही है ना, तो चुल्लू पर पानी लेकर उसमें डूब के मर जा हरामखोर। बोला और विक्की, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। मैं जो भी गलती कर रहा हूँ वो पापा को पता कैसे चल रही है? अरे भाई अब क्या हो गया? अब तो भाई तू पूछ ही मत। उस लड़की के सामने आज पापा ने मुझे अच्छे से धोया, मेरा तो जीना आराम हो गया यार। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं घर भी कैसे जाऊंगा। अरे तेरे भाई के होते हुए दुख ज्यादा देर नहीं रहने वाला, तुम तो मुझे अड्डे पे मिलो। पर क्यों भाई? भाई ये मत पूछो, अभी मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जा रहा। चल ठीक है, हम चलते हैं, जल्दी आना। साले ये काम तो अच्छे से कर लेने दे मेरे को। अरे अंकल जी, बात इतनी जरूरी थी कि अर्जेंट में आना पड़ा। अरे ऐसी कौन सी जरूरी बात है? अरे अंकल जी, वो छोटू भाई छत पे बैठ के दारू पी रहा है। हैं हैं, क्या बोला तूने? दारू अंकल जी, दारू। अच्छा दारू पी रहा है, ले पकड़ तेरे 100 रुपए। भैया यही एक ऐसी चीज है जिसे पीने के बाद सारे दुख दूर हो जाते हैं। पियो पियो। भाई अगर ये तो पापा ने देख लिया ना, तो मेरे मुंह में आग लगा देंगे। अरे भाई तू फालतू में डर रहा है, ये तो डर दूर करने की चीज है। तेरे पापा को भी तो नहीं लगता ना दारू पीने के बाद तेरी मम्मी से डर है। यार बात तो तू ठीक कह रहा है, मेरे पापा जब भी दारू पी लेते हैं ना, तो मेरी और मम्मी की बात एक बार में मान लेते हैं। अरे भाई ज्यादा मत सोच, एक सांस में पी जा। पापा 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 गलती हो गई मुझसे, पापा पापा मैं नहीं पिला, ये दोस्त लोग पिला रहे, पापा गलती हो गई, प्लीज मारना मत पापा। अरे रुक जा, कुछ नहीं बोल रहा, तू तो मेरी फेवरेट चीज लेके बैठा है। बोला। पापा गलती हो गई, पापा मैं नहीं पी रहा था, मुझे तो ये दोस्त लोग बैठा के पिला रहे थे। अरे तो मैं कब बोल रहा हूँ कि तूने कुछ किया है? पर बाबा आपको पता कैसे चल जाता है कि मैं यहाँ बैठ के ये कर रहा हूँ? अरे ये तेरे दोस्त है ना, जो सारे सारे के सारे फर्जी है, 100-100 रुपए में बिके पड़े हैं। वो बिक्की है ना बिक्की, उसने मुझे 100-100 रुपए लेकर तेरी सारी गलतियाँ बताई है। क्या पापा? अरे हाँ, तभी मैं तुझे कहता हूँ कि इनसे दूर रह कर, प्लीज कीप डिस्टेंस। उस विक्की का तो अभी बैंड बाजा बजा के आता हूँ। ठीक है बेटी जा, माई आशीर्वाद ऑलवेज विथ यू। और हाँ उनको इतना बजा के आना कि उनको भी पता चल जाए कि तू बड़ा मारवाड़ी की औलाद है। ठीक है पापा, जा रहा हूँ मैं। पापा को बता रहे, और वो भी 100-100 रुपए में।
साले गद्दार दोस्त, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, चल बड़ा। हाँ जी भाई लोगों, तो उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा जरूर। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, इस वीडियो को दबा के लाइक शेयर करना है और भाई कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा क्या लगा। और गाइस एक और मेन बात, ये है मुस्टेक का ओशियन बॉडी वॉश 3-in-1। इसके जो भी बेनिफिट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं और भाई मैं इसको पर्सनली एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ, मुझे तो काफी बढ़िया लगा ये। तो आप भी इसे इजीली बाय कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक दे रखा है। और आप इसे मुस्टेक की वेबसाइट से भी मंगा सकते हो और भाई ये हर स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। तो गाइस आप इसे जल्दी से ऑर्डर करो, मुस्टेक का 3-in-1 ओशियन बॉडी वॉश। ओके, तो चलो मिलते हैं आपको एक और आगेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।